थोड़ा सर गया है देखिए। देखो ना जोर से हेलो गुड आफ्टरनून। अभी हम लोग चलते हैं कास्टिंग नेट फिशिंग करने। चलिए तो बहुत सारा प्लग्स भी फिशिंग कर लिया है, जितना मिला है आपको दिखा दिया है। अभी हम लोग कास्टिंग नेट फिशिंग करेगा ये सामने से। चलिए तो ये है जाल, देखिए ये है जाल कास्टिंग नेट, तो इसी से अभी हम लोग फिशिंग करेगा। मिलता है कि नहीं स्टे ट्यून देखते रहिए। चलिए तो फिशिंग स्टार्ट करते हैं। एक फिश एक फिश एक फिश देखो ये लगा कि एक बंदेगा इसको बंदेगा क्या बंदेगा इसलिए रील कर नहीं नहीं ना डालो नहीं कौन आ गया। देखो इतना गड्ढा पानी में फिशिंग कर रहा है और मैं पीछे पीछे इसके पीछे पीछे मैं चल रहा हूँ। लगा है नहीं लगा है चलो लगना चाहिए। न्यो 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 अच्छा अच्छा नहीं मिला तो आया वो आया वो कर देखो। नहीं मिला तो चलो अला बल लगते हुई एक पीस लगा है तो मैं इसको लगे तो गंडा जगह मिले और पी लू ना। देखिए मछली निकल रहा है वो, अभी मुझे भी अंदर जाना होगा, अंदर जाके उसके साथ चलना होगा मुझे भी। चलिए चमक आलू चाप कांटा लग मछली इसमें कांटा होगा ये साला मछली है तो अरे नहीं ना उसको ये वो बाहर निकल के ये कांटा है इसको पकड़ने के लिए बहुत मुश्किल है और तेज बहुत होता है ये लेकिन कांटा है इसमें देखो रखना बनाएंगे पापा
ग्लैब सीख बात आते कांटा वाला है ना ये मछली बहुत कांटा होता है इसका, इसमें पॉइजन होता है, जलता है ये लगने से और बहुत चिपचिपा होता है ये मछली। इसका ये फिन में होता है ना कांटा, बोलो चबा पाबू पाम देते लग रहा है ना मुझे ऐसी बात हो फीलिंग तो क्या बोलेगा यार बहुत स्लिप होता है। पकड़ते रहो ना हम बोल डाल दिया हम मालूम नहीं अगर पक रहा है ना बड़ा बड़ा लगता है ना ये कांटा बहुत जलता है। इसका फिन में ये फिन होता है, इसमें ये होता है कांटा होता है, उसका पूंछ में नहीं होता, आगे वाला जो पंख का उसमें कांटा होता है, तो उसको पकने से लगने से बहुत जलता है, इसीलिए उसको डर लगता है। टेस्ट तो बहुत तेज है ये मछली देखिए। चलो बस यहाँ तो लगेगा, देखो ये चेक कर रहे हैं मछली लगा है कि नहीं लगा, ये रस्सी को पकड़ के रखते हैं उससे चेक करते हैं, अगर मछली होगा तो वो डक डक खींचेगा तब जाके केयरफुल से उसको निकालेगा। नहीं है लगा है कुछ, कुछ लगा है कुछ भी नहीं। आलू चाप ये कम से कम इस जाल का वेट 5-6 केजी होगा, उसको दूर ड्रो करना पानी के अंदर इतना अंदर उसके थोड़ा तकलीफ होता है। एक तो नखा लगा धक्का दिया ना, एक तो धक्का दिया बता रहे तो थोड़ा बड़ा मछली होता होगा धक्का दे। केयरफुल केयरफुल भागने मत दो, हाँ धक्का दिया है ना, ओहो भाग गया भाग गया। तो ये मोबाइल वगैरह हम लेके चल रहा है इसलिए थोड़ा वाटर करंट में जाने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, आपको कॉर्नर कॉर्नर से निकलना पड़ेगा। चलिए बड़ा जाल है इसमें छोटा लेने मिलेगा, इनमें से थोड़ा साइज का ही मिलेगा। अच्छा आलू चाप चलिए सुंदर, ये तो सुंदर सौदर है। मान के खत्म हुआ है, अभी दिखाएगा आपको कितना मिला। उगला नहीं उड़ेंगे, ज़्यादा उड़ नहीं है, वाह इतना मिला देखते हैं। देखो ओ देखो ये मिला, ये 21 दो ये 3 4 5
छ सात आठ नौ, नौ पीस मिला है, नौ पीस। चलिए कोटा तो बन गया, ये आज का मेहनत का है। आज थोड़ा सर गया है, देखिए यही दार वाला है। देखो ना जोर से पेट निकलना पड़ा, पहले पेट तो नहीं है ना इधर मछली का ड्राइव है, दोनों बहुत ही बारिश हो के बहुत तकलीफ हो रहा है, हालत खराब हो गया। रात में तो भिजा भिजा सुहा मछली भी मथा, देखो इसी बम्पर नहीं करके रात में जो नहीं करने से कुछ नहीं होना, नहीं बेचा बम्बर पापा ना रात में का मछली भी किससे हो गया कलर दिखा है आगे कहीं अमन को भेज देना था रात में ना, साथिंग मम्मू और देना बाप बात कर हां घर में ऐसे करना चाहिए था। न्याय अभी पकवाई या तो दे कुछ भी नहीं, पूरा पेट सड़ गया, पूरा पेट सड़ गया, पेट कुछ भी नहीं। चल अभी इसको टैबलेट मत देना, टैबलेट इसको पांच बार ना बोलने पे तबाह। अरे बोल इसको पांच बार में भाग करना है, इसलिए इसको पिस पिस करके और पिस करना पड़ेगा। ओ हो गया तो अच्छा सही दबाना, तब तक आगे मारा अच्छा ऑफ हो गया, स्किन में दो बार टच करता हूँ। इसको तच्चे करेंगे, पकड़ो इसको तोड़ के अच्छा इसको पकड़ो, ये कुछ ले जाओ कोई ना, ये क्यों ये गरम देने ना, गरम देने से होता है नाम ना प्रॉफिट हो गया तो ना जल्दी दिल्ली आ गए पकड़ दो। वाह दादा तो सोलो पी दो टिप इतना दूर से आया फिर भी लगा इसको प्याई बना के खाना पड़ेगा। रे सोलो भी कद रहे थे अरे कक्की नहीं होते जो तो बहुत कक्की है ना मिट्टी में पप्पी अलग ही पैर पूरा सूख गया, देखो पेट पूरा निकल गया, पूरा सारा गया पेट। या सोलो को मैं फ्राई सोलो तो बड़ा है बाप रे, अरे कमो पकड़ना यो हो चुका है तो चला मालूम ही नहीं स्किन में तक तक आ गया। इसको क्या करे ना वो ना इसको ऐसे रखते हैं, चलो ये एक बार दो
तीन चार पाँच चार पाँच इसको दम्पो लेने वाला कोई साथ दे देगा ठीक है बाकी क्या ओए लियो ना कौन सा बापचन है हमारा फिशिंग खत्म तो वही मछली वही मिला ठीक है देखते रहिए ये ब्लॉग लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बाय बाय।